छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बजरंगी और भगवा रंग को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी गर्म होती नजर आ रही है। बयान को लेकर अब भाजपा मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश में लग गई है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और बजरंगियों के द्वारा डोंगरगढ़ के हनुमान चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वही डोंगरगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि कल मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बजरंगी भाइयों को गुंडा कहा था। मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से माफी मांगी, अगर आने वाले समय में इस तरह की हरकत फिर करते रहे तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कल भूपेश माननीय भूपेश बघेल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था हमारे बजरंगी भाइयों को लेके। साफ साफ उन्होंने आज कल सिद्ध कर दिया कि जैसा बाप वैसा बेटा। जो बाप पहले कभी हिंदू विरोधी भाषा कुछ भी अनाप शनाप विरोध प्रदर्शन करते रहे, आज कल उनके सुपुत्र माननीय भूपेश बघेल जी ने भी करके दिखाया, बजरंगी भाइयों को गुंडा कहा और ये सरासर हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेके इनका शुरू से प्रयास रहा है कि ये उनको किसी ना किसी तरह से, चाहे आप गाली बोल लो चाहे आप जो भी बोलो, आप शुरू से कांग्रेस सरकार विरोधी सरकार रही है, हिंदुओं के विरोध करते आई है। कल ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिखा भी दिया है और इन्हीं बजरंगी भाइयों के साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया है हमने और हम ये हमारी ये पूरी युवा बजरंगी भाइयों का ये जो मांग है कि भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगे और आने वाले समय में अगर इस टाइप का हरकत भूपेश बघेल जी करते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीएम हाउस का भी घेराव कर सकते हैं, कलेक्टर का भी घेराव करेंगे आने वाले समय पर।